नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप प्रत्यार है। दोस्तों मैं तो करता हूँ, सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले जीमेल के बारे में। अगर जीमेल पे आप किसी को मेल भेज के शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप किसी मेल को शेड्यूल कर सकते हैं और उसे शेड्यूल करके कैसे उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में बताया, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप किसी को मेल भेजने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको मेल भेजना है उसको यहाँ पे टू के सामने आपको उसका मेल आईडी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे मेल आईडी लिख लेता हूँ। तो एक मेल आईडी लिख दिया। इसके अलावा आप पर्टिकुलर दो तीन मेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मेल और लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार में एक ही मेल भेज सकते हैं, आप दो तीन में दो तीन बंदों को एक साथ एक ही मेल दो तीन बंदों को भेज सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट में डेमो लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों हम यहाँ पे डेमो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे जो मेल में हम टाइप करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो आप लिख देंगे। जो भी आपका मेल है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे कोई आप इसमें कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, फाइल ऐड करना चाहते तो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़ोटो ऐड कर लिया नीरज चोपड़ा का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसे भेजने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको शेड्यूल करना है, ठीक है। तो हमें शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे। फटाफट से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल सेंड ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको पिक डेट एंड टाइम ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप अपनी मर्जी से डेट ऑन टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आज 10 तारीख है, तो 10 अगस्त है, तो हम यहाँ से 12 अगस्त को भेजने वाले, ठीक है, आगे के 2 दिन बाद, ठीक है। तो 12 अगस्त को हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइम पे आप क्लिक करेंगे। तो इसे हम यहाँ पे सुबह 8 बजे हम ले लेते हैं, और कितने मिनट पे, 15 मिनट पे। और एएम पीएम का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एएम सेलेक्ट किया या आपने पीएम सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एएम सेलेक्ट किया है यानी सुबह का टाइम। तो इसके बाद यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं एएम है या पीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल सेंड पे हम क्लिक कर देते हैं। जो हमारी मेल है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है। अब की मेल शेड्यूल हो चुकी है या नहीं हुई है उसकी जानकारी आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा शेड्यूल का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपने मेल भेजा है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में छोटी घंटी है इसे दबा के आपको ऑल पे सेट कर देना। इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।